हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। सिक्स क्लास हम लोग सीआई पढ़ रहे थे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। आज एडवांस मैथ है। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹25। फाइंड द सम। कहने का मतलब है कि कोई सम है, यानी प्रिंसिपल है, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 25 रुपीज है, सेम रेट और सेम टाइम पे। तो बताओ वो प्रिंसिपल क्या है, और प्रिंसिपल भी सेम ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें मानते हैं कि लेट बी पी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, आर हमारा दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और डिफरेंस सीआई एंड एसआई इज इक्वल टू रुपीज 25 है। हम क्या करेंगे, सीआई का फार्मूला लिखेंगे। सीआई का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन यानी कि टाइम माइनस 1 और ब्रैकेट 1। ये हमारा सीआई निकल गया। और एसआई का फार्मूला होता है, इसमें से एसआई को घटा देंगे, पी गुने आर गुने टी बाई 100 इसकल टू 25 बराबर 25 आएगा। ठीक है ना। अब सारे वैल्यू को उसके जगह पे पुट अप करते हैं। जैसे पी हमने एक्स माना है, 1 प्लस आर हमें मालूम है 5/100 पावर 2 माइनस 1, और यहां पर हो गया एक्स मल्टीप्लाई 5 × 2/100 इसकल टू 25। 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 20 एलसीएम निकालेंगे बच्चों, 20 प्लस 1 ये 21/20 हो गया। ठीक है ना। अब x ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे तो पावर 2 है इसमें, देखिए यहाँ 21 × 20 हो जाएगा माइनस 1, मजा ब्रैकेट रहेगा। और इधर में 5 को काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी क्या आ गया x by 10 बराबर 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो जाएगा। 21 को जब 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 होता है, और 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा माइनस 1 माइनस x by 10 इसकल टू 25। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और 400 एलसीएम निकल गया, एक बार में जाएगा यानी 441, और इसको 400 को 1 से करेंगे तो 400 हो जाएगा यानी 41/400 है। ओके, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 41/400 माइनस x बाई 10 इसकल टू 25। ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए, यानी कि ये हो गया 41x बाई 400 माइनस x by 10 is equal to 25। LCM निकालेंगे 400 आएगा, एक बार में जाएगा यानी 41x। 10 को डिवाइड करेंगे 40 बार में डिवाइड होगा, 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 40x हो गया बराबर 25। अब इसको घटाएंगे तो 41 में 40 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू ही 1 होता है बाई 400 is equal to 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 25 चौका 100 होता है, और 2 जीरो और है, यानी कि राइट आंसर आया 10,000। हमारा प्रिंसिपल 10,000 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल सेम अभी 1 नंबर जो क्वेश्चन में बताया उसी तरह का है, सिर्फ डिजिट का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 65। फाइंड द सम, यानी कि हमें पी निकालना है। हमने लिखा लेट बी रुपीज एक्स पी, हमें मालूम नहीं है, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है सी आई, पहले सी आई बड़ा होता है, और एस आई का रुपीज 65 है। रेट हमारे सामने है 10% और टाइम हमारा 2 ईयर। तो सी आई का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें एस आई घटा लेंगे, तो लिखेंगे सी आई का फॉर्मूला पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस 1 में माइनस कर देंगे, पी गुने आर गुने टी बाई 100 इसको 65।
यही इसी पे बस हम लोग वैल्यू को डाल देंगे, पी हमारा एक्स है, वन प्लस आर हमें मालूम है 10%, टाइम टू है माइनस वन, यहाँ भी एक्स है, आर 10 है, टाइम टू है बाई 100 = 60, 0 0 काट देंगे, 10 LCM आ गया, 10 प्लस वन हो गया, यानी 11/10, ब्रैकेट को छोटा निकालेंगे, 11/10 पे पावर 2 है, पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ओके? अब यहाँ पर भी हम काट देंगे, इसको काट दिए 10 को, ये 5 बार में कट गया, यानी x/5 आ गया, = 65। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 121/100, 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, और 10 × 10 = 100 माइनस वन। उसके बाद x/5 ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं, 6/100 LCM आ गया, नीचे एक अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं, 121 - 100 = 21/100 हो गया, ओके? यानी x मल्टीप्लाई 21/100 माइनस x/5 = 65, मल्टीप्लाई करेंगे 21x/100 माइनस x/5 = 65, 100 हमारा LCM आ गया, वन बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x आ जाएगा, 5 से 100 में 20 आएगा और x को मल्टीप्लाई करेंगे 20x हो जाएगा। अब 21 में से 20 को घटाएंगे तो ओनली x बचेगा, x/100 = 65, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6500, ओके? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ₹2500 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2। थोड़ा सा अलग है, इसमें कहता है कि CI और SI का डिफरेंस बताओ, और इसके पहले के क्वेश्चन में CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ था, यही अंतर है, ठीक है ना? तो हमें बताना है डिफरेंस CI - SI का, ठीक है? और पी हमें मालूम है ₹2500, आर भी मालूम है 4%, और टाइम भी मालूम है 2। तो पहले CI का फॉर्मूला लिख देते हैं और उसमें से SI को घटा देते हैं, क्योंकि हमेशा CI बड़ा होता है SI से, ठीक है? तो CI का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 + R/100 (n-1) माइनस पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पी बाई 100 = 1, क्या होगा, है ना? तो पी हमारा कितना है 2500, 1 + R 4% है, पावर 2 माइनस 1, माइनस यहां भी 2500, आर हमारा 4% है, टाइम 2, ठीक है? अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 LCM आया, 25 + 1 यानी 26/25, यानी 2500, और इसको 2 0 काट देंगे पूरा कर जाएगा। अब ये 2 पावर है, यानी कि 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 माइनस 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और 2 बार में करेंगे तो 200, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है? सारा कट चुका है, ठीक से कुछ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 में 26 को, जब 26 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 676 आता है, और 25 को करेंगे तो 625 माइनस 200, LCM निकालेंगे 625 आएगा, यहाँ नीचे सुविधा के लिए 1 भी कर सकते हैं, -625। अब इसको घटाते हैं तो इधर 1 आ जाएगा और साथ में से जुड़ जाएगा तो 51/625, यानी कि 2500 × 51/625 माइनस 200, 625 से हम 2500 में डिवाइड करेंगे, जब 2500 में डिवाइड करेंगे तो वो पार में कट जाएगा 4 times, हाँ ऐसे ही करना, 6 × 24 = 2400, अब 2500 + 2500 हो गया, 4 को गुणा करेंगे 4×1 = 4, अब 5×5 = 20, 204 हो गया माइनस 200, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 4, यही आंसर है। CI और SI का डिफरेंस 4 रुपीज है, ओके? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन रुपीज 25 एट एनी रेट फॉर टू ईयर इज रुपीज 16, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और पी भी आपको नहीं पता है। आपको पता है सीआई और एसआई का डिफरेंस 2500, रेट पता है, सॉरी टाइम पता है, लेकिन रेट नहीं पता है, यानी हमें पी नहीं मालूम। हम लिखेंगे लेट पी, पी इज पी रुपीज भी लिख सकते हैं, पी ही मान सकते हैं, ठीक है। आर हमें नहीं मालूम है, निकालना है तो आर को हम आर ही मान लेते हैं, ठीक है ना, आर निकालना है। और टाइम हमारा टू ईयर है, ठीक है, नहीं इसमें हमारा पी दिया हुआ है 2500 और डिफरेंस हमारा लिखा हुआ है 16, ठीक है। और हमें आर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम सीआई को निकालते हैं। देखिए सीआई बराबर फार्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस। पी का वैल्यू मालूम है लेकिन अभी मैं वैल्यू को नहीं रखता हूं, जब वैल्यू का जरूरत पड़ेगा पी का तो हम लोग डाल दिया जाएगा, अभी पी को पी ही रखते हैं। पी रखा ब्रैकेट 1 प्लस आर हमें मालूम नहीं है पावर, यहां माइनस पी भी होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस पी भी होता है फॉर्मूला, याद रखेंगे सीआई का। और एन हमारा 2 है माइनस पी। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये 1a है और ये क्या है b है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को जब हम पुटअप करेंगे तो ये क्या आएगा, p यही रह जाएगा, a 1 है तो a पे स्क्वायर यानी कि 1 पे स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद प्लस बी कौन हो गया आर बाई 100 तो इस पे भी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 1 है 1 और बी का वैल्यू है आर बाई 100, ओके, और ब्रैकेट को 1 करेंगे माइनस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पी 1 को स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस ये दोनों को दो दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर के पावर 2 बाई 100 के पावर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और आर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई आर बाई 2 आर बाई 100 ब्रैकेट बंद कर देंगे माइनस। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस ब्रैकेट को खोलने के लिए ये पी मल्टीप्लाई में, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 1 से होगा तो पी 1 जब पी, अरे 1 से तो जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होता है, तो पी हो गया प्लस पी आर स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाई 100 स्क्वायर प्लस फिर यहां 2 पी आर बाई 100 और यहां हो जाएगा माइनस, हमने ब्रैकेट को खोल दिया। अब ध्यान दीजिए एक पी माइनस में है और एक पी प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, पी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर प्लस 2 पी आर बाई 100, ये हमारा आया सी आई। अब कहता है कि सी आई और एस आई का डिफरेंस हमारा 60 रुपीज है, तो अब एस आई को निकालते हैं, एस आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बाई 100, टी को तो मैंने अभी पी ही मान के चल रहा हूं, आर हमें मालूम नहीं है और टी देखिए हमारे सामने 2 है बाई 100, ठीक है। अब इसको 2 को काटेंगे तो 50 बार भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या इसको नहीं काटिए थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 पी आर बाई 100। मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि देखो यहां भी 2 पी आर बाई 100 है और यहां भी वही हो गया, अगर इसको काटते हैं तो ये भी 2 से
100 को मुझे काटना पड़ता, ठीक है ना। तो चूंकि काटे नहीं है इसलिए मैंने नहीं करा, ये हमारा आ गया एसआई। अब कहता है डिफरेंस, थोड़ा सा यहां ब्लॉक कर देते हैं। डिफरेंस बराबर क्या होगा, सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू 16। सीआई मेरा सामने है, देखिए पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर प्लस 2PR by 100 माइनस SI यहां पे है, क्या है वो 2PR by 100 is equal to 60। अब देखिए ये दोनों सेम वर्ड है, एक माइनस में है एक प्लस में, तो ये कट गया क्योंकि 2PR by 100 2PR by 100 माइनस प्लस है, खत्म हो गया। तो आपके सामने अब क्या बचा, PR square by 100 square is equal to 60। 100 को मल्टीप्लाई करते हैं और P का मैंने बताया था वैल्यू, वो वैल्यू डालते हैं, तो P का वैल्यू कितना है 2500। तो P की जगह मैंने लिख दिया 2500 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और 100 को दो बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 10000। हमने दो जीरो को काट दिया, 25 को चार बार काट दिया। अब क्या बचा हमारे सामने, आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आर इक्वल टू क्या हो गया 64। अब सबको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट बनता है, तो हमने r पर से स्क्वायर को हटा दिया, रूट 64 हो गया। तो 64 का रूट कितना होता है 1, यानी हमें r निकालना था और r हमारा कितना आया 1%, यही आंसर है। ओके नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग और एक नया फॉर्मूला बताएंगे, शायद अभी नहीं बताया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन एनी सम फॉर रूपी for 3 year is rupees 800 and the CI for 2 year is rupees 812, then find the rate. हमें रेट बता, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 year और देखो SI दिया है 3 year का rupees 800 और टाइम दिया है 2 year और CI उसका दिया है rupees 800। फाइंड द रेट कैसे निकालेंगे ध्यान, पहले हम लिखेंगे डिफरेंस सी आई माइनस एस आई का। तो क्या होगा, सी आई 812 है और 800 को घटाएंगे तो दोनों में डिफरेंस 12 डिफरेंस का है। और याद रखेंगे रेट का एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 100 बाई एस आई, सिंपल याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, सीधा रेट आपका निकलेगा। तो डिफरेंस कितना है 12 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 100 और एसआई कितना है 800। जब हम इसको दो जीरो काटेंगे, दो से चार बार में काटेंगे, चार से तीन बार, यानी कि हमारा रेट है 3%। ओके, और इस फार्मूला को भूलना नहीं है। चलो थैंक यू।